अब खबर बानसूर से। बानसूर के आम जन की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत को पत्र लिखकर आम जन की समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि अभी बानसूर को नगर पालिका बनी है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति इसी बजट सत्र के अप्रैल माह में जारी हुई है। पूर्व मंत्री ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी द्वारा सूचना पट पे पट्टा के नाम कर अवैध वसूली की गई है। एक माह पहले पार्षदों एवं पट्टा आवेदनकर्ताओं ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बानसूर को लिखित में सूचना और ज्ञापन दिया गया था। आपके द्वारा इस प्रकरण की जाँच कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जा रहा है, इसलिए बानसूर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के और बानसूर की विधायक और उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत को पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उनसे अनुरोध किया है कि बानसूर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, नगर पालिका का स्वरूप को लेकर जो लोगों में जो लोग आक्रोशित हैं उसको लेकर के, और जिस प्रकार से मनमाने ढंग से पार्षदों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनसे चर्चा किए हुए टेंडर कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के, तथा मैंने कहा है कि बानसूर शिक्षा का हब बनने जा रहा है, इसलिए बानसूर का कस्बे का विस्तार कैसे हो, इसका टाउन प्लानर से नक्शा आपको तैयार कराना चाहिए। देवनारायण योजना का बानसूर को आज तक कोई लाभ नहीं मिला, जबकि बड़ी संख्या में देवनारायण योजना का लाभ इस क्षेत्र को हो सकता है। प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन योजना में अपना और पराया किया गया है, इस योजना पर भी ध्यान देने की जरूरत है। करोड़ों रुपया सेंटर से आए हैं, लेकिन निष्पक्षता के आधार पर कोई काम नहीं हुआ और आज सारी की सारी स्कीम अधूरी है। सारी बहुत सारी बातें, बहुत सारी समस्याओं का मैंने अपने पत्र में जिक्र किया है, पत्र भी मैं अखबार को प्रेस को प्रेषित कर रहा हूं। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती शकुंतला इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनका जल्द से जल्द इसकी ओर ध्यान दे, और अगर जरूर अगर आवश्यक समझे, मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी है, तो बानसूर में एक सार्वजनिक जन समस्याओं का सुनने का एक शिविर लगाए और इनको तत्काल समस्याओं का समाधान करें। एक पूर्व मंत्री होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते, मेरे अनुभव के आधार पर मैं शकुंतला जी को मैं कहना चाहूँगा कि आपको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पुलिस के घेरे से हट करके आपको पब्लिक के बीच में जाएं और समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। बहुत बुरी स्थिति बानसूर की है, जो कह नहीं सकता। अस्पताल तो दंगल बना हुआ है, मरीज कहाँ जाए, मरीज कोटपुतली और अलवर जाते हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अन्यथा ना लेकर के सकारात्मक रूप से उन पर विचार करेंगे।